वैसे तो मैं बता नहीं, अभी चुड़ैल लग रही हूँ। तभी मुझे होटल में लाए, वरना कभी नहीं लाते कंजूस आदमी। मंजुली का वाला मूवी नहीं जी, उसी लग रहे तू आज। चाकलेट ले रही हूँ, नाराज नहीं, मात्र 40-40 रुपए वाले चाकलेट है। हे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आज, क्योंकि मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो अभी मैं आई हूँ पार्लर में, मेकअप तो क्या ही करूंगी, खैर देखने आई थी कपड़े की दुकान में। और ये लोग मुझे क्या फोर्स कर रहे हैं, पानी पी पानी पी पानी पी, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि चार निकल तक मुझे पानी नहीं पीना है। तो सभी देश और प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो थोड़ा बहुत सामान ले जाना था करवा चौथ का, जो मैं लेके ही गई हूँ। कल दुकान बंद थी, क्योंकि कल लास्ट दिन था, महीने का लास्ट दिन था, तो हम सामान नहीं ले गए। तो आज आई हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके जाते हैं घर। हाँ, मुझे ललचाने के लिए इन लोग मुझे पानी दिखा रहे हैं। अरे मैं कह दी को घूम रही हूँ, ले पी, मैं कह दे कर लो हर तो न पीनू है, ले न रोयो यार, मुझे का थोड़ी सुख भरी शरी ले पी पी जा। नहीं मैं नहीं पीऊंगी, और दिनों पिलाते तो होता नहीं होता, आज पानी पी भले यार, दोनों मेरे से पानी पी कर रहे हैं। ये किसी से कहोगे तो नहीं कहोगे ना, बस हो गया फिर ये पानी। अरे पी ले मैं दिया तीन पान तस पान दिनी तस पान दिनी थी माता का जा रही है जन्मदिन पे आता पानी तो परवा सो दिन। आपकी बहू मुझे बहुत परेशान कर रही है, सब पानी पी बोल। अच्छा क्या करूँ मैं, व्रत रखूँ या पानी पीऊँ बताओ ना बाबू। रखूँ मेरी हालत देख के लग रहा है आपको मैं रख पाऊंगी शाम तक। आप है ना व्रत है, दूसरा है तीसरा है मेरा तो आज तीसरा है, लेकिन आज तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूं। आपका व्रत तो बिल्कुल अनिवार्य है। बस सावित्री अच्छा हुआ है, सबका चल अच्छा हुआ बताओ बाबू। हमने तो हमारे जमाने में तो हमने कभी एक अच्छे भी नहीं व्रत, आज कभी सुनते हैं हम तो काली है उनके माने में सोमवार वाले व्रत वाले थे, हरे राम हरे कृष्ण वाले थे रे हम, बाकी का हमको कोई पता नहीं। आइए आप लोग आज का भी चला हुआ है ये, देखते हैं शाम तक अगर मैं खा पाई तो बताओगे। मैंने गमरा महेश्वरा का व्रत रखने वाले वही वाला पहाड़ी का यहाँ पहले से ये करवा तो बरसात की सब भक्तों को चलने वाला हुआ, सिर्फ हमारे यहाँ यही वाला हुआ। अब हमारी परंपरा को छोड़ के आप बाहरी अपना रहे होगा, कोई नहीं पर तो करो भी उसको पूरा पूरा पड़ेगा। क्या करे यार, पानी का नाम भी बात ले, पानी का नाम भी जबरदस्ती दिलवा रहे हैं मुझे, ऐसा करें तो पी, हम किसी से नहीं कहेंगे भाई। यानी चिड़खा तो थी ना भाई गॉड, अगर कोई लोड मतलब मैं तो बढ़िया का मिलना चाहूँ, ये भी एक और जा रही है, वो भी एक और जा रही है, मैं क्यों बोलूं बल तो आज। देखो बिहाइंड द सीन, मैं जबरदस्ती अंदर लेके आया और इनकी मुलाकात करवा रहा हूँ। तो नवराज भाई मेरी वजह से जानते सब इसको ना, छिची छिची। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखो गीत खाती को नवराज की जैसे जानते हैं यार नवराज, अरे तुम्हारी पब्लिक तो सेम ही है यार, नवराज को गीत खाती की जैसे जानते हैं, इनसे पूछते ये बोल रहा नहीं पमुखला है मेरी मेरे गीत को किसकी वजह से जानते हैं नवराज के। यस पूनम, गीत को किसकी वजह जानते हैं नवराज के, नवराज यस गीत को किसकी वजह जानते हैं रिश्तेदार किसके। अच्छा मम्मी आज बटे हमारा घर आल क्या जंदी सोनी, अरे यार लड़ाई जाएगी तुम्हारी, नहीं कहता हूँ गीत बहुत अच्छी लड़की है, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी मैं नाराज हो जाती है फिर। अरे बहुत वो है अजीब टाइप की तो अब क्या बोलूं, मेरे सर जी का दुकान भी है यार, ये कह रही कि सब्जी वाले की दुकान दिखाओ, मेरा मेरे ससुर जी की सब्जी दुकान है, खाली घर में फूट डला है नीचे रघुवल में जी, करोड़पति लोग मेरे रिश्तेदार है सब, मेरा जो सबसे गरीब रिश्तेदार से उल्टो है। हाँ ये गरीब लोग तो ही बहुत आती है। हाँ ये वहाँ की ये कंटेंट ये किसके ब्लॉग में आती है गीत याद को मेरी वजह से जानते लोग कुछ जानते हैं ना, क्या मैंने जानते कोई दिक्कत है अच्छा। पूछा देर से किसी ने क्या ठहरे, बरे आज काम बटे पूछी ना खत्म बात,
ये दुकान है नाचनी के ब्लॉगर थल से ले जा रहे हैं देखो। तो दोस्तों फेमस दुकान सबसे बड़ी ब्लॉगर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड में ये नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स यार देखना तो चाहिए ना उन्होंने, देख तो रहे ना हमारे ब्लॉग। वो प्रधान जी हमारे, जूम करो और जूम, दिख नहीं रहा यार कुछ, मेरा कैमरा काला है बहुत। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो मेरा व्रत है यार, एक ही टाइम खा रहा हूं मैं, रात को ही खाऊंगा। व्रत है तभी मुझे होटल में लाए, वरना कभी नहीं लाते कंजूस आदमी। मैं मेरे बीबी हो, दीर्घायु हो, लंबी उम्र जिए, अगली बार रखने वाली चाहिए, ऐसे ही खाएगी वो भी दुकान में आके। तो यार दोस्तों सामान तो लेके आ गई हूँ, और साड़ी वगैरह आज सिल दी है, और आज फॉल वॉल लगा के क्लियर हो गया था, तो थोड़ा बहुत सामान आज भी लाई, क्योंकि सारा सामान ना परसों नहीं खरीद पाई मैं, क्योंकि मार्केट बंद था और उसके बाद फिर टाइम भी नहीं हुआ मुझे लाने का, तो आज मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो सारा सामान तो लेके आ गई हूँ, और आज ना बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, पता है पानी की अहमियत पता चल रही है आज मुझे। पिछली बार से भी होता था व्रत, लेकिन इतना गंदा नहीं हुआ यार इस बार, पता नहीं क्यों हो रहा है, पूरा चेहरा ना मुर्झा मुर्झा जैसा गया है, और बहुत अजीब सा हो रहा है, और बहुत प्यास भी लग रही है। हमारा वक्त ख़राब चल रहा है, तुम हमको खाना दिखा दिखा के खाओगे मैम? क्या हमारा वक्त ख़राब चल रहा है, तुम्हें दिखा दिखा के खाओगे क्या? लो मैम खाओ यार, उड़ा लो मेरी मजाक, कोई बात नहीं। तो यार दोस्तों शाम के 5:30 के आसपास टाइम हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ पार्लर में तैयार होने के लिए, तो साड़ी वाड़ी वहीं लेके जा रही हूँ, वहीं जाके तैयार होंगी। तो गैस अभी हम आए हैं मेकअप करवाने के लिए राखी दी की दुकान पे, तो देखते हैं अभी मेकअप करवाने के बाद कैसा लगता है। अभी तो मैं बस सिंपल, अभी साड़ी भी नहीं पहनी है, तो साड़ी भी पहनाएंगे और पूरा मेकअप भी करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको, और राखी दी से भी मिलाएंगे। तो गैस आप मुझे पहचानते हो नहीं, ये मैं ही हूँ, ये भगवान क्या हो रहा है इतना गोरा यार, आज पहली बार मेकअप कर रही हूँ देखो, करवा चौथ में, और वैसे मैंने सिर्फ 3 बार मेकअप किया है, देखते हैं अभी कैसा होता है मेकअप, वैसे तो मैं बता नहीं अभी चुड़ैल लग रही हूँ। तो यार दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक, और मुझे तैयार किया है राखी दी ने, ये है राखी दी, तो काफ़ी अच्छा मेकअप किया इन्होंने, बहुत लाइट जैसा मैंने बोला था वैसा ही। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ना मेकअप आज तक कभी किया नहीं है, एक अपनी शादी में गया था, और दूसरी बार बहन की शादी में गया था, तीसरी बार आज ही कर रही हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, और कमेंट भी करना। हेलो दोस्तों, यहाँ मेरी थल में अभी नई नई शॉप है, ये सिद्धि ब्यूटी पार्लर करके है, आप लोग अगर आपको गीता का मेकअप अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ यहाँ विजिट कीजिए। मेरी जो ये प्लेट है, और जो ये छन्नी है, और जो ये लोटा है ना, एक दिन में तैयार हुआ है आज के दिन में, तो मेरी दोस्त मनीषा मैडम ने बना रखा है, तो आपको दिखा दो कितना प्यारा बना रखा है, इसका पेंट भी नहीं सूखा है अभी तक देखो, और इन्होंने बहुत बढ़िया सजा रखा है इसको। ये तो लोटा हो गया, और ये छन्नी है, ये भी अच्छे से, ये तो सूखा ही है, बट ये जो ऊपर का जो हमने लगा रखा है ना ये लेस, ये नहीं सूखी है, तो काफ़ी बेहतरीन छन्नी बना रखी है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये प्लेट तो गजब ही लग रही है। ये उन्होंने 2 बनाई थी, और एक मुझे पसंद आई, तो मैंने इसमें अपना नाम और यहाँ पे अपने मोटू का नाम लिखा है शेखर, और यहाँ पे गीत, तो काफ़ी बढ़िया प्लेट बनी हुई है यार। अगली बार से अगर किसी को चाहिए होगी तो संपर्क करना मुझसे, मैं उनको बताऊँगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन कलाकारी वो दिखाती हैं। बस उन्होंने सिर्फ 2 ही बनाई थी जल्दीबाजी में, मेरे लिए और अपने लिए, काफ़ी बेहतरीन बनाई है। ये रहा और ये रहा, तो बताओ कैसा लग रहा है कमेंट करके। आज चांद का इंतजार हो रखा है, आज पति की अहमियत पता चल दी है। आज ही के दिन पतियों की अहमियत पता चलती है गाइज ना, फिर वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात कहते हैं ना, वही होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना रंग रोगन किया है बर्तनों में, और अपने चेहरे में भी रंग रोगन किया है, देखिए देख सकते हैं गाइस, आप ये बहुत ही ख़तरनाक रंग रोगन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप जो डेंटिंग पेंटिंग है काफ़ी बेहतरीन, पहचानने में नहीं आई, एक बार तो मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला कि कौन आया ये, लेकिन पूरी नहीं लग रही हूँ भाई मैं, हालात तो खुशियार पट्टू बनो जरूरी भाई, आज पहली बार मेकअप किया है तो थोड़ा खुशी तो
गाइज गाइज अच्छा हो रहा है गाइज, चलो ठीक है भाई। इतना मेकअप करके आई हूँ, इतना पुतड़ा है, इतने पैसे खर्च किए हैं। हाला मेल को छीते दे रात रोड खानी। 3 लीटर पानी 2.5 तो फिर पीतीऊंगी, घर में पीती हूँ, स्कूल में थर्मस ले जाती हूँ तब बड़ा सा वो खत्म करके घर आती हूँ, उतना पानी पीती हूँ। और सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने पूरे दिन भर बिना पानी के रही हूँ यार। मैं मेरे को आज पानी की इतनी तलब रही है, मेरे को एक बोतल मट्ठे मिल जाए मैं वो पी लूँ। नवरात ऐसे मट्ठे के लिए भी कह रखा है, लाता है नहीं लाता है देखते हैं, अभी लाने तो चाहिए उन्होंने, क्योंकि मैंने आज बहुत टाइम बाद उनसे मट्ठे के लिए कह रखा है। अब बहन की बात तो नहीं टालेंगे, लाने तो चाहिए। इतना गला सूख रहा है, इतना जैसे ही अब सोच रही हूँ रात हो गई है चांद आएगा, वैसे ही ज़्यादा ज़्यादा गला सूखते जा रहा है। मतलब एक लोटा पानी से ही पेट भरने वाली हूँ आज, जैसे पानी मिल जाए यार। ऐसा होता है पानी के बिना, बिन पानी सब सून। सुन आप जल्दी ही पानी पियेंगे, चांद का इंतजार है। मंजुली का वाला मूवी नहीं जी, उसी लग रही है तू आज की ठार रखा था। मैं मंजुली का लगू या मैं जूली का जो भी लगू लू, तो मैं गीत खाती ना, तो अब आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। अब अपने पति को ही पसंद नहीं आया तो लोगों को क्या पसंद आएगा ना। कमेंट करके बताओ, मैं कुल फुजर पट्टे लग रहा है वो महाराज। इसमें 10,000 की गड्डी रखो, मेरा फुसल पट्टे अच्छा ही हो जाएगा ना, है कि नहीं? रखो इसमें। ये पैसे के लिए सब दिखावा है गाइस, सब दिखावा। किसके लिए? पति दिखावे की दुनिया है ये, पति के लिए, आपके लिए। हाँ हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ। आपके लिए मैंने मेहंदी लगाई है, आपके लिए मैंने चूड़ा पहना है, आपके लिए मैंने इतना राजू श्रृंगार किया है, इतनी चीजें बनवाई है, कम है? कम है? आपको अच्छा नहीं लगा? I believe in simplicity, guys. मैं सिंपल अच्छी लगती हूँ? जी, बिल्कुल। तो गाइस कमेंट करो कि मैं सिंपल अच्छी लगती हूँ या मैं मेकअप में अच्छी लगती हूँ, क्योंकि आज थर्ड टाइम पे मैंने मेकअप किया। मेकअप मैं बहुत कम करती हूँ, यहाँ तक कि मैं लिपस्टिक भी बहुत कम लगाती हूँगी। काजल तो मैं कभी नहीं लगाती, आज ही लगाया, तभी इनको थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ आज से। दोस्तों जो करवा होता है ना उसमें चावल या गेहूँ डालते हैं, तो मेरे पास गेहूँ तो नहीं है यहाँ, इसलिए मैंने इसमें चावल डाल दिए। और ये जो करवे का जो भी सामान इसमें डालते हो आप, गेहूं और चावल, तो ये अपनी सासू माँ को देना पड़ता है। तो जब गांव जाऊंगी अपनी मम्मी को दूंगी। अभी इन्हें मैंने लड्डू डाल दिए हैं, दिया छोटा सा जलाऊंगी। फाउंडेशन लगा रहे हैं दोस्तों, आपसे मजाक कर रहे हैं कि वैसली नगर के गाई जी वैसली ना, देखो वैसो केयर है, केयर बोरो प्लस के साथ ही फ्री में डिबिया आती ना, वो है ये, यही लगाना पसंद करता हूँ मैं। के नहीं लोगों ने भी हूँ कि बनून गा खाली फुजर पट्टे जस इंसान हो लुसो दिख गया है कि नहीं। एक ही दिन तो मिलता है यार सजने संवारने का, वो भी नहीं करे फिर हम औरतें। अब ये बताओ जरा क्यों नहीं लग रहा हूँ नहीं स्मार्ट? वैसलीन का कमाल है भाई, वैसलीन जीने लगन भी हो। चलो बाय, चांद आ चुका है और पूजा पाठ भी कर लिया, सारे लोग अभी ना छतों पे दिख रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी 9:30 के आसपास, 10 बजे के आसपास यहाँ पे चांद पहुंचा और मैंने पानी पी लिया और प्रसाद भी खा लिया है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो यार ऊपर मैं सुना रहा था वो बनाई ना चो कुछ 2.5 तोला की भाजी की फरा रही हूँ, लेकिन चाकले ले रही हूँ, नाराज नहीं मात्र 40-40 रुपए वाल सिंह। चॉकलेट है? चॉकलेट सिंधी चॉकलेट यार, चॉकलेट नहीं कहूँ, चॉकलेट अलग भी हो, चॉकलेट अलग भी हो, तू ठूल भी हो ना थोड़ा। पूजा पाठ करके छत से नीचे आ गए हैं और 5-6 गिलास पानी पी लिए मैंने, 5-6 गिलास यहाँ नहीं होती है, पूरे दिन भर का कोटा कंप्लीट कर लिया है। तो हमसे पहले विनी का उनको पता चला तो उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई पर मैंने सुनी नहीं, वो लोग पूजा पाठ करके अंदर चले गए थे, फिर हम लोग गए पूजा पाठ करने के लिए। और अभी भी काफ़ी लोग छत पे हैं, घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, काफ़ी लोग इतने लेट भी जा रहे हैं, तो मुझे भी लेट ही पता चला। तो अब खाना वगैरह खा लेते हैं, भूख तो अब मिटी गई है पानी पी के, क्योंकि इतनी प्यास लगी थी और मेरा मन इतना था ना मट्ठा पीने का, लेकिन मट्ठा भी नहीं मिलिया, पेट में भी दर्द हो रहा था पानी पी के, तो चेंज करती हूँ। और ये लिपाई पुताई जो भी की थी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है, कितनी बार चिढ़ा दिया है कि तू आज सुरपुरनिखा लग रही है, सुरपुरनिखा का पार्ट खेल लेती या ताड़िका का पार्ट खेल लेती बल। पर मुझे भी, मुझे तो अच्छा लगा लेकिन इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि आप पहली बार इन्होंने मुझे मेकअप में देखा है। तो अब मैं इसको धोती हूँ और वरना फेस भी खराब हो जाएगा, कभी मेकअप किया नहीं है तो मुझे आदत नहीं है। तो इसको पूरा रिमूव करके साड़ी वगैरह चेंज करके खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? थल पे ना रामलीला भी लगी है तो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत उसकी आवाज़ भी आई होगी, तो उसके लिए सॉरी।
अब कल परसों चलेंगे, पता नहीं 4 को या पता नहीं कब लास्ट दिन है, फिर आपको दिखाऊंगी चल की थोड़ी बहुत रामलीला, सबसे पुरानी रामलीला है। तो यार दोस्तों खाना पीना खा लिया है और काफी अच्छा लग रहा है। अब खाना खाने के बाद जो दिन भर की थकावट थी वो दूर हो गई है, अब थोड़ा सा एनर्जी आई शरीर में और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो खाना पीना भी खा लिया है लेकिन बर्तन वगैरह अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थकान लग गई है। आज का दिन क्या ही बताऊं, घूमने में ही रहेगी सारे मार्केट पर, और सामान भी आज खरीदना पड़ा, कल तक खरीदती तो होता नहीं होता, मार्केट ही बंद था इसलिए खरीदा नहीं। और चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पूजा पाठ भी कर ली और दिन भर रुक भी गई, वरना मेरे तो दिन में एक बार ऐसा भी हो रहा था कि चक्कर जैसा लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लूँ, मतलब फल फ्रूट खा लूँ, पानी नहीं पीऊँगी लेकिन सेव केले ले खा लूँ, लेकिन फिर सोचा यार चलो अब जब तक रखवाऊँगी तब तक तो रख लेती हूँ। तो फिर जैसे तैसे आज का दिन पूरा हो ही गया और चाय आने के बाद ही मैंने व्रत तोड़ा, तो अब सो जाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा थकान लगी है। इस ब्लॉग को ना यहीं क्लोज करती हूँ। अब मुंह का मेकअप भी साफ कर लिया है क्योंकि मुझे मेकअप सूट नहीं होता है, दाने उछल जाते हैं, पूरे दाने वाने हो जाते हैं चेहरे पे, तो अब पूरा 10 या 15 मिनट लगा इसको उतारने में, पूरा धोने में, पहले धोया फिर टिश्यू से साफ किया, तो अब अच्छे से साफ हो गया है। वैसे उतना अच्छा तो नहीं होगा क्योंकि जब तक नहाऊंगी तब तक चैन भी नहीं आएगा, कल नहाना धोना भी होगा। और अब सो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।